गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग द्वारा आने वाली 10 से 12 तारीख के बाद गुरुग्राम जिले के अंदर एक पोलियो अभियान चलाया जाएगा। हालांकि ये पोलियो अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चलाया जाएगा, मगर स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि गुरुग्राम के अंदर 378,000 बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दी जाएगी। साथ ही 1563 केंद्र ऐसे बनाए जाएंगे जहाँ पर गुरुग्राम के अंदर पोलियो की ड्रॉप बच्चों को दी जाएगी। ऐसे में ध्यान रखने वाली चीज़ ये भी होगी कि जिन बच्चों के माता पिता के सामने उनकी पोलियो की ड्रॉप उनके बच्चों को दी जाएगी, उन बच्चों की उंगली के ऊपर मार्कर का निशान लगवाना भी अनिवार्य है, जिससे कि पोलियो की ड्रॉप जो है वो रिपीट ना हो सके। आपको बता दें कि पोलियो को लेकर के गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग पहले से ही जो है अभियान चलाता आया है, और बीते एक वर्ष की अगर बात करें तो कई लाख से ज़्यादा जो इंजेक्शन हैं और जो ड्रॉप्स हैं वो शिशुओं को अलग अलग तरीके से अलग अलग बीमारियों से बचाने के नाम पर दी गई हैं। और पोलियो ड्रॉप की बात करें तो उसमें भी ये आंकड़ा जो है लाखों के पार है, मगर ऐसे में अक्टूबर तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो कई लाख ड्रॉप जो हैं पोलियो की बच्चों को लगाई गई थी, दी गई थी, मगर अब ऐसे में एक बार फिर इस अभियान को शुरू किया जा रहा है। और गुरुग्राम जिले के अलग अलग लोकेशंस पर यानी 1563 लोकेशंस के ऊपर बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दी जाएगी, जिससे कि बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो बना रहे और पोलियो जैसी जो गंभीर बीमारी है उससे बच्चा ग्रस्त ना हो। लगातार स्वास्थ्य विभाग सभी से अपील कर रहा है कि गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में बनाए गए 1563 केंद्रों के ऊपर पहुंचकर अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलवाए। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़।